प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य मिलेगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। विगत कुछ दिनों से गिरिडीह पुलिस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि गिरिडीह क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में नशीले पदार्थ दवाइयों का सेवन स्थानीय युवा नौजवान धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन एवं औषध पदाधिकारी के द्वारा सतत निगरानी की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 9 सितंबर रविवार को पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कमलजोर एवं झगरी में नशीले पदार्थ अथवा दवाइयों को एक स्कूटी से ले जाया जा रहा है। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार औषधि निरीक्षक गिरिडीह एवं पुलिस बल के टीम द्वारा ग्राम कमलजोर से एक स्कूटी को पकड़ा गया। डाइसिक्लोमाइन HCl, ट्रेमाडोल एंड एसिटामिनोफेन की कुल 1440 कैप्सूल बरामद की गई तथा स्कूटी चालक के निशानदेही पर ग्राम कमलजोर के मोहम्मद इफ्तिकार के दुकान से कुल 1032 कैप्सूल बरामद किया गया। गिरफ्तार स्कूटी चालक की पहचान शिवचरण कुमार, उम्र करीब 48 वर्ष बताई जा रही है। मामले की विस्तृत जानकारी रविवार को SDPO अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। विगत कुछ दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी गिरिडीह शहर उसके आसपास में कुछ मेडिसिन नौजुकों के बीच में बेचा जा रहा है, जिससे कि नशा होता है और उसका लगातार नौजुकों द्वारा यूज किया जा रहा है। तो उस सूचना के आधार पर हम लोग लगातार निगरानी रख रहे थे। इसमें औषधि निरीक्षक जो होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, वो भी निगरानी कर रहे थे और कल पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को भी सूचना मिली। उसके आधार पर हम लोग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कमलजोर में छापामारी किया। एक व्यक्ति जो शिवचरण कुमार है, स्कूटी के साथ पकड़े गए। उनके स्कूटी का टिकी का तलाशी लिया गया तो उसमें डाइसाइक्लोमाइन HCl, ट्रामाडोल, एसिटामिनोफेन कैप्सूल, पाइवोन आसपास का कैप्सूल बरामद किया गया है, जिसका कुल कीमत 19,000 कुछ रुपया होता है। और उसके संबंध में उनसे मांगा गया कोई कागजात, तो कोई कागजात नहीं दिखाया गया और उन्होंने बताया कि वे लगातार नौजुकों के बीच में घूम घूम कर दवाइयाँ बेचते हैं, जिससे इसको खाने से, यूज करने से नशा होता है, ओवरडोज लेने से नशा होता है। और इसमें और कई लोग शामिल हैं, उनका नाम भी उनके द्वारा बताया गया है। हम लोगों ने विधि सम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और कार्रवाई की जा रही है। जो अभी तक पकड़े नहीं गए उनके विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है, वे भी जल्द पकड़े जाएंगे। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।